अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि न्यूजीलैंड में जलवायु परिवर्तन एक तरह से जलवायु आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। अब देखिए, ये हमारी प्यारी पृथ्वी, इस पर ये हमारा प्यारा भारत, इससे आप जाएंगे तो ये आपको देखने को मिलेगा न्यूजीलैंड। इससे पहले आपने देखा होगा कि ब्रिटेन में भी, आयरलैंड, कनाडा, फ्रांस, इन देशों में भी आपकी राष्ट्रीय आपातकाल एक तरह से जलवायु के प्रति जागरूक होने के लिए लगाया जा चुका है। आप सभी देख रहे होंगे कि ग्रेटा थनबर्ग के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, एक पर्यावरण कार्यकर्ता है, स्वीडन की है। इन्हीं के प्रयासों से आप समझिए कि जो भी देश अभी इस कदम उठा रहे हैं जलवायु परिवर्तन के तरफ, ये इन्हीं की एक तरह से प्रयास का परिणाम है। समझ रहे हैं आप लोग? तो आपने देखा होगा इस समय कहीं कहीं आप देखते हैं बाढ़, कहीं देखते हैं आप लोग कि पानी का सूखा पड़ा हुआ है, कभी आप सुनते हैं कि तूफान आया हुआ है, कभी आप लोग कई जगह इस तरह की आपदाओं के बारे में सुनते रहते हैं। इस सभी की नहीं कि किसकी देन है, जलवायु परिवर्तन की। ठीक है, इसके पहले आप लोगों को और सबको समझ जाना चाहिए कि हमें ये बड़ी आपदा में एक तरह से ये रूप धारण करे, उससे पहले हमें अपने एक तरह से जागरूक हो जाना चाहिए। आप समझिए कि हम लोग अगर 10-50 पेड़ काट रहे हैं तो उसकी जगह कम से कम 2 से 3 पेड़ तो लगाते रहिए। हमारे पूर्वज बेवकूफ नहीं थे, पागल नहीं थे कि वो आप देखते थे कि वो पेड़ लगाते रहते थे। उन्हीं की एक तरह से देन है, एक तरह से कि आज हम लोग जितनी भी पानी ले रहे हैं, जितना भी हमें स्वच्छ पानी मिल रहा है, वायु मिल रही है, वो उन्हीं की देन है एक तरह से। अगर हम अपनी पीढ़ी के लिए, एक तरह से बचाने के लिए या उनके लिए कुछ छोड़ना चाह रहे हैं तो इसके दिशा में हमें कदम उठाना चाहिए। आप समझिए कि कभी आप देखते हैं कि आप बर्थडे मना रहे हैं, जन्मदिन, या कोई भी आपके घर में खुशी का माहौल है, तो उस समय आप ये भी तो कर सकते हैं। आप देखते हैं कि लाखों रुपया खर्च कर देते हैं आप लोग, एक पेड़ लगा दीजिए, एक दो पेड़ लगा दीजिए, आपका बर्थडे है उस दिन भी तो आप पेड़ लगा सकते हैं। एक दिन में आपने लाखों कितना भी पैसा खर्च कर दीजिए, भूल जाएंगे, कम से कम पेड़ जब तक रहेगा तब तक आपकी याद तो बनी रहेगी। तो इस तरह के काम आप भी कर सकते हैं। ठीक है, आप सोचिए, 15-16 की साल की बच्ची अगर इस तरह इस कदम उठा सकती है तो हम सब भी तो उठा सकते हैं। और यही हमारे यहाँ के और बाकी देशों के बच्चों में फर्क होता है कि हमारे यहाँ के बच्चों की आप तुलना करके देख लीजिए, उनकी देखिए उनकी सोच कहाँ पहुंच चुकी है और हमारे बच्चों की सोच कहाँ है। इसी का परिणाम आप देखते रहते हैं, इसीलिए हम लोग विकासशील देशों की सूची में डले हुए हैं, पिछड़े डले हुए हैं, और वो लोग आगे निकल रहे हो। आप समझिए कि अभी डोनाल्ड ट्रंप चाचा साहब क्या कहते थे कि कोई जलवायु परिवर्तन नहीं होता है, कई संगठनों से बाहर भी निकल चुके थे, इसीलिए आपने देखा है कि जनता ने भी उन्हें बाहर का रास्ते दिखा दिया है। हर कोई चाह रहा है कि एक तरह से जलवायु के प्रति जागरूक रहे, सरकार इस ओर कदम भी उठाए। आपने देखा है पेरिस जलवायु समझौता हुआ, कई इस तरह के समझौते भी किए गए। चलिए इस आर्टिकल को देख लेते हैं, इससे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा प्रीलिम्स में, और लिखित परीक्षा में भी क्वेश्चन बन सकता है। आप देखिए, निबंध भी जलवायु परिवर्तन पर पूछा जा सकता है। यह एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस कहीं भी पूछा जा सकता है। एक आप देखते हैं महिलाओं की स्थिति पर, आप देखते हैं तो यहाँ क्वेश्चंस कहीं भी बन सकता है, गरीबी पर कभी भी क्वेश्चंस बन सकता है, निबंध भी लिखने के लिए आ सकता है। तो इनके बारे में आप लोग कुछ पॉइंट याद रखिए और सामान्य जानकारी भी याद रखना है। हाल ही में न्यूजीलैंड सरकार ने जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के घातक प्रभावों का आकलन करने के बाद देश में जलवायु आपातकाल की घोषणा की है। न्यूजीलैंड के जो अधिकांश सांसदों ने जलवायु आपातकालीन घोषणा में के पक्ष में मतदान किया है, जबकि मुख्य विपक्षी दल नेशनल पार्टी ने इसके खिलाफ मतदान किया है। हमारे देश में अलग आपको देखने को मिलेगा। अभी कुछ ही दिन पहले मैं कहीं आर्टिकल पढ़ रहा था आपका, कि ऑस्ट्रेलिया में चुनाव हुए थे, समझिए कि वो चुनाव सभी आपकी जलवायु को लेकर हुए थे। एक तरह से हमारे यहाँ देखते हैं कि धर्म के नाम पर हिंदू मुस्लिम, मस्जिद मस्जिद, मंदिर मस्जिद, जो भी इस तरह के मुद्दों पर राजनीति होती है, वहां जलवायु को लेकर राजनीति भी हुई थी। तो आप समझ सकते हैं कि कितना अंतर है हमारी यहाँ की राजनीति में, वहां की राजनीति में। और जब आप सोचिए कि हमारे बच्चों को शिक्षा नहीं मिलेगी, वो सही गलत का फर्क नहीं मालूम चलेगा, तो वो कहाँ सोच उनकी विकसित होगी। उन्हें अगर VIP शिक्षा दी जा रही है, सोच के अपनी सोच रखने लायक बना दिया जाए, तब तो वो इस बारे में सोचें। जलवायु आपातकाल क्या है, ये भी आपके दिमाग में आता रहता होगा क्वेश्चन। 2019 में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार जलवायु आपातकाल को एक ऐसी स्थिति में परिभाषित करता है जिसमें जलवायु परिवर्तन से होने वाली वाले या संभावित पर्यावरणीय न्यूनतम क्षति को कम करने या रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है।
याद रहे कि क्लाइमेट इमरजेंसी को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी 2019 ने विश्व का दूसरा सबसे लोकप्रिय शब्द माना था। ग्रीन पीस न्यूजीलैंड द्वारा न्यूजीलैंड सरकार ने जलवायु आपातकाल घोषित करने की मांग की गई थी। इस क्लाइमेट इमरजेंसी के पीछे यह तर्क दिया गया था कि वर्तमान में मानव मौसम की अत्यधिक चरम अवस्था, वन्य जीवन संपदा का क्षरण और स्वच्छ जल समेत भोजन तक पहुंच के संकट का सामना कर रहा है। आप समझिए कि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव मानव जिंदगी पर पड़ता है, इसका इनडायरेक्ट प्रभाव भी पड़ता है और डायरेक्ट प्रभाव भी पड़ता है। आप सोचिए कि फसल पर प्रभाव पड़ेगा, आपकी दैनिक जीवनचर्या पर भी प्रभाव पड़ेगा। आए दिन आप सुनते रहते हैं दिल्ली में सांस लेना भी दुष्पार हो गया है, तो वहां भी आप लोग सुनते रहते हैं। आप देखते हैं कि हमारे यहाँ के अगर नेताओं की आपको नाकामी देखनी है, उनके निकम्मेपन का अगर सबूत आपको देखना है, तो बिहार में जाकर आप देख सकते हैं। आप देखते हैं कि हर साल बाढ़ आती है, फिर भी उसकी रोकने की व्यवस्था नहीं की गई है। दूसरी बार जाएंगे और दो चार बातें कहेंगे, रोड, सड़क, बिजली, और इसी पर उनकी पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है। आप समझिए, ये तो बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। अगर ये नहीं मिले हैं तो आप ये सोचिए कि आपके नेताओं की, जिन्हें आप अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनते हैं, उनके निकम्मेपन का एक तरह से सबूत है। वही हाल है कि एक बार विधायक जी बने और दूसरी बार आपके पास आए और उन्होंने कहा कि बिजली देंगे हम आपको, पानी देंगे, तो एक तरह से आप सोचिए कि अपना सबूत दे रहे हैं कि हम कितने बड़े निकम्मे हैं। जिस तरह से आप देखते हैं कि सोचिए कि एक चोर आपके घर से चोरी करता है और आपके पास आए और कहे कि मैंने चोरी की है आपके यहाँ, अब इस चोरी को हम दोबारा नहीं करेंगे, तो एक तरह से उसने अपने सबूत दिए है ना चोरी के। तो यही हमारे यहाँ के नेताओं का है, ठीक है। वो उन्हें जलवायु के बारे में मालूम ना होगा अधिकतर, और उन्हें क्या हमारी गलती है उसमें सबसे ज्यादा। आप देखिए, अगर हम बलात्कारी को एक को चुनते हैं, हम एक हत्यारी को चुनते हैं, डकैत को चुनते हैं, तो उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं। आप अपने लोकसभा सदस्यों में देख लिए, राज्यसभा या विधानसभा सदस्यों में देखिए, अधिकतर लोग आपको इसी तरह के देखने को मिल जाएंगे। वो कहां तक आपके मुद्दे को उठाएंगे आप भी बेहतर जानते होंगे, और उसी का परिणाम आप भुगत रहे हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनके बच्चे वीआईपी स्कूल में पढ़ते हैं। तो आप लोगों को भुगतती है और भुगतते रहिए। लॉकडाउन के टाइम आप लोगों ने भुगता है काफी, और आपने देखा है कि किस तरह से आप अभी भी चरम मतलब भयानक स्थिति में जी रहे हैं। उसका भी परिणाम आपके सामने है और इसी का परिणाम आगे भी आप भुगतते रहेंगे। बस भगवान के लिए एक एक काम कर सकते हैं आप लोग, कि अपने बच्चों के भविष्य को तो कम से कम ध्यान में रख के काम करिए, उनके भविष्य को ध्यान में रखकर अपना वोट दीजिए। बात करें अगर न्यूजीलैंड के जलवायु आपातकाल से संबंधित कुछ जानकारी, तो अपनी हरित गृह प्रभाव से जुड़ी प्रतिबद्धताओं के लिए पहचाने जाने वाले न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डन ने अपने सांसदों के साथ न्यूजीलैंड में जलवायु आपातकाल की घोषणा करके अपनी प्रतिबद्धता को वास्तविकता बना दिया है। याद रखिए, ये वही न्यूजीलैंड है जहां के प्रधानमंत्री, आपने देखा होगा कि लॉकडाउन मतलब जब महामारी फैली हुई थी, उस समय भी ये अपने लोगों के साथ घुल मिल रही थी, अपने लोगों का ख्याल लेने के लिए, एक तरह से खबर लेने के लिए अब हर क्षेत्र में जा रही थी। और एक तरफ हमारे अपने देश के नेताओं को देखिए, कोई रामायण देख रहा था, कोई महाभारत देख रहा था, समझ रहे हैं। एक बात और याद रखिए आप लोग, आपको लगता है कि भगवान अगर श्री राम होते तो वो इस तरह से घर में बैठ के ये तमाशा देखते? कभी नहीं। और मैं इतना भी कहता हूं कि अगर सच में भगवान होते तो नेताओं को कभी माफ नहीं करेंगे, समझ रहे हैं आप लोग। आप देखेंगे न्यूजीलैंड ने वादा किया है, न्यूजीलैंड ने वादा किया है कि उसका सार्वजनिक क्षेत्र 2025 यानी कि 2025 तक कार्बन न्यूट्रल बन जाएगा। जलवायु आपातकाल की घोषणा जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी पैनल आईपीसीसी के आधार पर की गई है। आईपीसीसी के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग में 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक वृद्धि से बचने के लिए उत्सर्जन को 2023 तक 2010 के स्तर से लगभग 45% कम होने किया जाना चाहिए। साथ ही 2050 तक उत्सर्जन को शून्य तक पहुंचने को भी की भी आवश्यकता होगी। इस दौरान कोयला बॉयलरों को बदलने और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को खरीदने में मदद करने के लिए न्यूजीलैंड ने $200 मिलियन के फंड का प्रावधान भी किया है। इससे क्या देखेंगे आप लोग, देखते हैं कि तेल हो फिर चाहे आपका कोयला हो, इससे प्रदूषण कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा फैलता है। लेकिन आप देखेंगे कि बिजली जो एक तरह से आपके इलेक्ट्रॉनिक वाहन है उनसे आप देखेंगे ना के बराबर आपका प्रदूषण फैलेगा और एक तरह से आप लोगों के लिए भी फायदा होगा, ठीक है। अपने पिछले कार्यकाल में अर्डन की सरकार ने एक शून्य कार्बन बिल पारित किया था।
जिसमें 2050 तक कुल उत्सर्जन को शून्य करने की रूपरेखा तय की गई थी। हमारे देश में आप लोग देख के देखिए कितने कानून बनाए जा रहे हैं। जलवायु आपातकाल के पारित होने के साथ न्यूजीलैंड, कनाडा, फ्रांस, ब्रिटेन सहित 32 देशों के समूह में शामिल हो गया है, जिन्होंने जलवायु परिवर्तन की घोषणा करके जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए समान कदम उठाए हैं। हमारे देश में क्या किया जाता है? अब देखिए, हमारे देश का कहने का मतलब है कि अपने नेताओं को देखा करिए, हमारा देश ना तो कभी कमजोर रहा है ना ही रहेगा। अब आप कहेंगे ये देश को सुरक्षित हाथों में, ए हाथों में, वो हाथों में, तो मैं एक आपको बात बता दूं कि हम देखिए प्राचीन काल से ही आप लोग शुरू कीजिए, हमारे ऊपर हजारों आक्रमण हुए विदेशियों के, कभी मुस्लिमों के, कभी अंग्रेजों के, कभी किन्हीं और लोगों के, लेकिन हमारा देश फिर भी आज भी उसी स्थिति में डटा हुआ है। तो मैं तो कहता हूं कि हो सकता है कि हमारी भारत माता की एक तरह से कृपा बनी हुई है, वरना हमारे नेताओं के निकम्मेपन कितने गिर सकते हैं नेता, आप लोग देखते हैं, उदाहरण आपके सामने पेश है। आप देखिए किसानों के साथ, आप सोचें कि किसानों पर अगर वो जला रहे हैं कोई पराली अपने, उन पर 5 लाख का जुर्माना लगाने या 10 लाख का जुर्माना लगाना, ये कोई समाधान नहीं होता है। आप इस तरह से समाधान कर सकते हैं कि उन्हें एक तकनीक के बारे में बताइए, उन्हें जागरूक करिए, उन्हें एक तरह से आप समझिए कि आपकी फसल है, फसल काटी गई, उसके समय जो ठूंठे बचे हुए हैं उन्हें आप लोग क्या कर सकते हैं कि छोटे छोटे टुकड़ों में, ऐसी कई मशीनें आ चुकी हैं कि उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट के डाल दीजिए खेत में और जुताई कर दीजिए आप लोग। आप देखेंगे बरसात होगी, वो खाद में, देसी खाद में बदल जाएगा और आपकी फसल को भी, उत्पादकता को भी बढ़ाएगा और एक तरह से आपके लिए भी मददगार होगा और जलवायु के प्रति भी एक तरह से आप सहयोग दे रहे होंगे। ठीक, इस तरह की तकनीक का उपयोग कर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने इस और अच्छा कदम उठाया है। आपने देखा है, सुना होगा, दिल्ली के आसपास के किसानों के लिए इस तरह की सुविधा की गई थी, इस तरह की तकनीक उन्हें दी गई है, समझ रहे हैं? तो इस तरह के कदम उठा सकते हैं। एक हमारी सरकार ने अच्छा कदम उठाया हुआ है नवीकरणीय ऊर्जा की ओर, एक कदम भी आप काफी, आप समझिए कि आप जल से ऊर्जा, या फिर आप सोचिए पवन से ऊर्जा, या आप सोचिए कि सौर से ऊर्जा, कई जगह आप सोचते हैं पावर प्लांट लगाए जा रहे हैं सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करने की, रीवा का कुछ समय पहले आप लोगों ने सुना होगा, तो ये हमारे देश का भी काफी योगदान है इसमें। ठीक, बात करें जलवायु आपातकाल की घोषणा करने वाले अन्य देशों की, तो हाल ही में जापानी संसदों ने भी एक जलवायु आपातकाल की घोषणा की है और कुल शून्य उत्सर्जन के संदर्भ में दृढ़ समय सारणी के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की है। आप देख लीजिए एक बार की जापान कहाँ है, ये है आपका जापान, ठीक है, ये हमारा प्यारा इंडिया, यहाँ आप जाएंगे जापान। ब्रिटेन, आयरलैंड, कनाडा और फ्रांस सभी ने जलवायु संकट की घोषणा की है। ब्रिटेन जलवायु आपातकाल घोषित करने वाला दुनिया का पहला देश था। उसके बाद आप देखेंगे स्कॉटलैंड और वेल्स द्वारा इसी की घोषणा की गई थी। तो आप देखेंगे ये आपका यूनाइटेड किंगडम है। उसके बाद वेल्स की बात करें तो यही आपको वेल्स देखने को मिलेगा यूरोप में, ठीक है। स्कॉटलैंड की बात करें तो यहाँ आयरलैंड और ये यही यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। और यूके का वर्तमान लक्ष्य 2050 तक कार्बन उत्सर्जन को 80% यानी कि 1990 के स्तर की तुलना में कम करना है। स्कॉटलैंड में भी जलवायु परिवर्तन आपातकाल घोषित किया जा चुका है। इस देश ने 2045 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को शून्य से कम करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए हैं। यूरोपीय संघ के सांसदों ने भी पिछले साल जलवायु आपातकाल घोषित किया था और 28 राष्ट्रों का यूरोपीय संघ जलवायु आपातकाल आह्वान करने वाला पहला बहुपक्षीय संगठन है। इसके अलावा अर्जेंटीना और कनाडा जैसे देशों ने से लेकर न्यूयॉर्क और सिडनी जैसे अलग अलग शहरों में भी जलवायु आपातकाल का आह्वान किया गया है। तो इसी से सीखते हुए हमें भी इस दिशा में कुछ कदम उठाना चाहिए, कोरोना जैसा हाल ना हो कहीं। आपने देखा है कि दुनिया में कोरोना फैल रहा था, उस समय हमारी सरकार के द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। जैसे ही आपने देखा है कि जब चरम स्थिति पर पहुंच गया तब हमने ध्यान दिया। आप खुद सोच के देख सकते हैं कि उस समय अगर एक दो केस हमारे यहाँ मिले हुए थे, उसी समय हम लोग ध्यान दे लेते तो इतना ना हमारा देश त्रासदी झेलता, अर्थव्यवस्था इतनी ना तो गिरती और ना ही लोगों की जान जाती, आप समझ सकते हैं। तो एक तरह से आपने देखा होगा कि हमें दूसरे से सीख ले लेनी चाहिए। अगर कोई गिर रहा है, मान लीजिए किसी रोड पर एक गड्ढा है, उसमें जाकर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो उससे आपको सीख ले लेना चाहिए, आपको मालूम हो जाना चाहिए कि उस रोड पर एक गड्ढा है। ऐसा नहीं कि आप भी उसी गड्ढे में जाकर गिर जाए जानते हुए भी, तो ऐसा नहीं है। तो कुछ समय भी कई क्षेत्रों से सीख लेने की जरूरत होती है।
तो यही है जलवायु के जो भी आपातकाल की घोषणा की गई है उसी के बारे में, इसके बारे में जो भी पॉइंट है ने याद रखी, कहीं भी क्वेश्चंस किसी भी रूप में आ सकता है आपका।